दोस्तों अगर हम क्रेडिट कार्ड के पैसों को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हमको प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी फीस, एग्रीमेंट फीस, सभी फीसों को पे करना होता है। और दोस्तों फॉर एग्जांपल ग्रुप में हम ले लेते हैं कि अगर हमको 500 रुपये, मान लो 1000 रुपया बैंक में ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट कार्ड से, तो प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी फीस, एग्रीमेंट फीस, इन सभी फीसों को काटने के बाद आपके जो बैंक में पैसा आएगा वो तकरीबन आएगा 800 के आसपास, ठीक है। अगर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बता दूँ जिसके ज़रिए अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बैंक में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है फ़ोनपे एप्लीकेशन पे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दो मेथड बताऊँगा जिसके ज़रिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में, तो भैया आपको कम से कम चार्जेस पे करने होंगे और आपके भी पैसे बैंक में चले जाएंगे। दोस्तों मैं अपने वीडियो पे, अपने इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ कि आपको बेनिफिट हो जाए और आपका काम भी निकल जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा देख रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गोल्ड बाय का, ठीक है। तो सिंपली आपको गोल्ड बाय पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से गोल्ड को ख़रीद लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बाय मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको बाय मोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप रुपीस या ग्राम में दोस्तों गोल्ड बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप में अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक में 1000 रुपये, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बाय नाव पर क्लिक करना है। तो भाई 1000 रुपये पर आपको 3% का GST लगेगा, तो यहाँ पर आपके 29 रुपया कट जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो 29 रुपये आपके फिर से कटेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटली आपको 60 रुपये देने होंगे और 940 रुपये आपके बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये घाटे का सौदा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा अमाउंट खर्च हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप जब क्रेडिट कार्ड के पैसों को डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो मेरा आजमाया हुआ एग्जांपल है, वहाँ पर एग्रीमेंट फीस, जीएसटी फीस और दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत सारी फीसें पे करनी होती हैं, तब जा करके आपके पैसे बैंक में आते हैं, तकरीबन 800 के करीबन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, जब ये गोल्ड बाय कर लेंगे, फिर गोल्ड को आप 24 घंटे में सेल करेंगे, ठीक है। 24 घंटे में सेल करने के बाद जो भी लिंक फ़ोनपे से बैंक, जो भी बैंक लिंक होगा फ़ोनपे से, उस बैंक में पैसे 24 घंटे में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड दोस्तों आपको ऊपर को आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिल जाएगा जो कि रेंट पेमेंट का है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेंट पेमेंट ओपन हो चुका। यहाँ पर दोस्तों आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको रेंट पेमेंट अमाउंट डालना है 1000 रुपये, और यहाँ पर आपको नाम डालना है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नाम डालना है जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बैंक लगा देनी है। बैंक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट कार्ड और पे UPI। तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये मुझे 13 रुपये का चार्जेस देना होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा ऑफर है दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन है रेंट पेमेंट। देखो अगर आप गोल्ड बाय करेंगे तो वहाँ पर तो आपको दोस्तों 60 रुपये लगने वाले हैं बाय करने पे और सेल करने पे, और यहाँ से दोस्तों अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो टोटली आपको 1000 रुपये पे 13 रुपये के चार्जेस लगने वाला, 1.3 के आसपास यहाँ पर चार्जेस लगेगा 100 रुपये पे। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा बेस्ट है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको गोल्ड बाय करना है या फिर आपको यहाँ रेंट पेमेंट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये दो मेथड है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेथड है, और इनके ज़रिए आप 100% पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे हिसाब से आप रेंट पेमेंट के ज़रिए यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर लें तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।